राजगढ़ थाना परिसर में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। बता दें मृतक का नाम प्रदीप जामोर है। इस युवक की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। युवक ने पिछले दिनों भागकर प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से युवक को लड़की वाले तलाश कर रहे थे। इस मामले में धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन थाना प्रभारी जिन पर आरोप है उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद से एसपी साहब की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजगढ़ थाना परिसर में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बताया जा रहा है राजगढ़ का रहने वाला प्रदीप डामोर पिछले दिनों एक लड़की के साथ घर से भाग गया और शादी कर ली थी, जिसके बाद से ही युवक को लड़की के परिजन तलाश रहे थे तथा पुलिस थाना राजगढ़ पर लड़की की गुमशुदगी दर्ज भी की गई थी। सोमवार देर शाम लड़की के परिजन युवक को लेकर थाने पहुंचे, जिसके बाद से युवक पुलिस कस्टडी में था। आज थाना परिसर में एक नीम के पेड़ पर युवक फांसी पर झूलते हुए मिला, जिसके बाद पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर लेकर पहुंची, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। इधर मृतक युवक के परिजनों ने थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह भदौरिया सहित पुलिस कर्मियों व लड़की के परिजनों द्वारा मारपीट कर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही युवक के परिजनों ने युवक के साथ एक कांग्रेस पार्षद द्वारा मारपीट कर युवक को धमकाने का भी आरोप लगाया है। मामले में धार एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, जबकि परिजनों के आरोपों के अनुसार थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह भदौरिया पर कार्यवाही नहीं की है। इधर परिजनों की मांग है थाना प्रभारी सहित जिम्मेदार पुलिसकर्मियों व लड़की के परिजनों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। इस पूरे मामले में धार एसपी पर भी भेदभावपूर्ण कार्यवाही के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में जब खबर हंड्रेड ने एसपी साहब से बात करना चाही तो साहब ने बात नहीं की। वो 4 जने थे, उनने माराकुटी करी, ज़्यादा रास्ते में पार्षद थे दलपुरा का, वो 4 जने ने बहुत ज़्यादा मारा और थाने पे ले गए थे सर। कौन 4 जने थे, पार्षद कौन था? पार्षद अमर सिंह भेंड वाला, ये दलपुरा 13 नंबर वार्ड का पार्षद, उसने मरवाया सर। और कौन 4 जने? जो ये कमल करके एक और नील और एक बाहर का था लड़का और एक उसका जमाई, 4 ने बहुत मारा सर लड़के को। ये थाने पे ले गए तो चौहान साहब ने बहुत मारा, घिसट घिसट के साहब टीआई साहब के पास ले गए, वहीं मारा साहब, बहुत मारा मेरे लड़के को, मेरे पे मारने तोड़े साहब, बहुत ज़्यादा मारा, मैं चलू मार मार के मार डाला साहब, और अंदर मेरे सामने हथकड़ी पहना के जेल के अंदर डाला उनने, और फांसी का दे दिया साहब, क्या करूँ मेरे बच्चे को। तो फांसी उसने बच्चे ने खुद लगाई है या पुलिस ने लगाई? नहीं साहब, ये उनने मिल के, इन्होंने मिल के, सभी ने, पुलिस वाले ने मिल के मारा साहब मेरे छोरे को, वो लड़की के परिवार वाले ने, सब ने मिल के साथ। पुलिस ने किसके साथ मिल के मारा? ये इन पार्षद अमर सिंह पार्षद से मिल के, ये मिला हुआ है सबसे, इनने पैसे खिला के मेरे बच्चे को मार डाला साहब। तो अमर सिंह पार्षद से क्या विवाद था? वो उसकी भतीजी के साथ चला गया था, लड़की के साथ में साहब। फिर कहाँ से पकड़ा है? ये इंदौर फुलपिली कोठी से साहब। किसने पकड़ा इनको वहाँ से? ये इनने पकड़ा, इनके पास 15 दिन से फोन आ रहा था लड़की का, कल मेरे को उठा लिया, अगवा करने की कोशिश करी थी, सुबह सुबह 7 बजे मेरे को बस स्टैंड से मारते मारते ले गए ये साहब, उनके घर में मेरे को रखा बंद खेद करके, फिर गाड़ी में मेरा मोबाइल छीन के गाड़ी के अंदर बिठा के ले गए ये वहाँ पे, और फिर वहाँ से उठा के लाए, दिन भर मोबाइल मेरा बंद रखा, और फिर हमको मारने के लिए गुमानपुरा ले जा रहे थे दोनों बाप बेटे को। तो फिर जेम तेम ड्राइवर को मैंने बोला भैया डीजल खत्म हो गया करके, तू थाने पे ले लेते हाथ जोड़ो, तेरे को मैं पैसे अलग से दे दूंगा कुछ भी। तो थाने पे उसने गाड़ी खड़ी कर दी साहब, तो हम बच गए बालो बाल, तो ये उधर नहीं मार पाए तो साहब ये थाने में मरवा दिया बच्चे को। क्या नाम था तुम्हारा? प्रदीप डामर सर ने। लाड़ी डिलीवरी पे गई थी, लॉकडाउन लग गया था, छोरा लाड़ी को पहुँचा दी थी हमने, और गुंडिया परिवार में रहता था, करण के साथ रहता था साहब, उधर ही 2 महीना सोया और रोटी खाने और सुबह शाम हमारे घर आता था बस, उधर ही लकड़ा कटाते थे, बकरा चराता था, छोरे के घरे से उधर रहता था ये, फिर ये चला गया, फिर मेरे को बहुत मारे इनका सब परिवार वाला ने। किन्ने मारे? ये देखो बुरी गंगा, ये सायरा, काली। और तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पति के साथ भी मारपीट हुई क्या? नहीं हुई। सन्नू इनका इनका उठा ले दो, सन्नू सन्नू ने, पूजा, सीमा, सुगणा, अमर सिंह और मुंशी और कालू सब ने मारा है। फिर क्या, ये चला गया, हमको पता ही नहीं चला, सब सुबह सेठ का सेठ आया, वो योगेश आया कि भाभी ऐसी बात, ये तो पत्रा ठोक रहे थे, फिर योगेश आया कि भाभी ऐसी बात है, मेरे को तो कही कि प्रदीप नहीं है, तो मेरे को तो था दुकान पे नहीं आया कि नहीं आया, क्योंकि 15 दिन से वो योगेश से बात करें। तो
अब ये कल लाया इसको मार के, ये थाना पे था रात में, इसको फांसी खिला दी यहाँ पे। किसने खिला दी फांसी? ये छोरी वाला हमने, पुलिस वाला भी मिलके, पुलिस वाला हमारा सुनता ही नहीं था। मेरे को इतनी मारी, आठ बाटल चढ़े सदारपुर, मेरे को रिपोर्ट लिखो इसने सबने मारी, तो नहीं लिखाई हूँ।